ट्वेंटी वन नंबर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल मींस नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इसका कोऑर्डिनेशन जनरली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सिग्नल्स पहुंचाना उनके रिएक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना ये सभी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं डे चिल्ड्रंस कोऑर्डिनेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे का फंक्शन हैं इंटरेक्शन करते हैं नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही कोऑर्डिनेट करती हैं और इन ऑर्गन्स के थ्रू होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रल फॉर्म में कंडक्ट करवाती है जहां न्यूरल सिस्टम यानी नर्व सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बना रहे है और एक क्विक डीनेशन बना रहे है जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें सभी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड आती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड एक केमिकल इंटीग्रेशन करती है हॉर्मोन्स के थ्रू हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंटीग्रेशन के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को काम करवाते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं न्यूरल सिस्टम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूरल सिस्टम ही है जबकि ट्वेंटी टू नंबर चैप्टर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ें तो न्यूरल सिस्टम एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिसको न्यूरोल सेल्स और नर्व सेल्स कहते हैं ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है ये न्यूरॉन डिफरेंट स्टिवलाइज को रिसीव करती है उन्हें डिटेक्ट करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनका ट्रांसमिशन करती है लोवर टाइप के इन्वर्टिव्रेड्स में नर्व सिस्टम न्यूरल सिस्टम बहुत ही सिंपल टाइप का होता है जबकि हायर वर्टिब्रेट्स कॉडेट्स की बात करें तो इनमें बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड तरह का एक नर्व सिस्टम पाया जाता है हम यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर यूमन नर्वस सिस्टम में हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सी एन एस जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पी एन एस जिसे पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम कहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर पोजीशन में ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके दो पार्ट्स होते हैं जहाँ ब्रेन बॉडी का कंट्रोल रूम होता है उसको कोऑर्डिनेट करने वाला स्पाइनल कोड पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम में सोमेटिक और वॉलेंट्री न्यूरल सिस्टम जो बॉडी के सभी टाइप के वॉलेंट्री ऑर्गन्स के एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है जबकि एटोनॉमिक और इनवॉलेंट्री जो न्यूरल सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्फैथिटिक नर्वस सिस्टम एक एक के बारे में यहाँ पर हम डिटेल करेंगे सबसे पहले हम बात करें यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इट इंक्लूड इन इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और ये वो साइट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशंस प्रोसेस करने के बाद उनको कंट्रोल किया जाता जबकि पैरीफेरियल नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से राइज होती है लाइक like ब्रेन से राइज होने वाली क्रेनियल नर्व्स स्पाइनल कोर्ट से राइज होने वाली स्पाइनल नर्व्स ये डिवाइड होकर के दो सिस्टम्स बनाती हैं सोमेटिक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो रिले करती है इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेट्री नर्वस सिस्टम से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की जितनी भी स्केलेटन मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वहाँ तक नर्व इम्पल्स को रिलेट करती है वहाँ तक नर्व इम्पल्स को स्प्रेड करवाती है जबकि ऑटोनॉमिक और इन वोलेंट्री नर्वस सिस्टम ये इम्पल्स और जो नर्व मैसेजेस होते हैं जिसे नर्व इम्पल्सिस कहते हैं उनको वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड बॉडी की डेप्थ में पाए जाने वाले जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक अपने मैसेज और इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स और विसरल ऑर्गन्स वो पर्टिकुलर टाइप्स की ऑर्गन्स और मसल्स होती हैं जो बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शन करती हैं और इन वॉलेंट्री टाइप के इन एक्शंस को कंट्रोल करने का काम बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम का होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है जो बॉडी में एक इनवॉलेंट्री सिस्टम बनाते हैं यदि हम ऑल ओवर देखें तो जितनी भी नर्वस सिस्टम्स तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये इन्वोलेंट्री एक्शंस को प्रमोट करने का काम करती हैं जबकि पैरासिम्पैथिटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जस्ट अपोजिट ये इन्वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है यदि नर्व फाइबर्स की बात करें तो नर्व फाइबर्स ऐसे जो कि टीशू से नर्व सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम करती हैं इस तरह की नर्व्स अफ्रेंट नर्व फाइबर्स होते हैं सो दीज अफ्रेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टिश्यू और ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ब्रेन और स्पाइनल कोड तक ये मैसेजेस पहुंचाने का काम करती है जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व इम्पलसेस यहाँ पर रेगुलेटरी इंपल्सिस की फॉर्म में जो ट्रांसमिट की जाती है वो अफ्रेंट नर्व फाइबर्स के थ्रू की जाती है टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुँचाया जाता है सो so, इफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट द रेगुलेटरी इंपल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू पेरीफेरियल टिश्यू और ऑर्गन्स जैसा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गिजम्स की सेल्स होती हैं उसी तरह से नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट यदि हमारी बॉडी में होती है किसी भी डेवलप टाइप के लिविंग ऑर्गन्स में होती है तो उसे न्यूरल सेल्स और नर्व सेल्स के नाम से जाना जाता है न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स सो न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और इस नर्व सिस्टम के अंदर देखें तो इनके डिफरेंट दो मेजर पार्ट्स हैं इन डिफरेंट दो मेजर पार्ट्स में सबसे पहले बात करें हम सेल बॉडी की सेल बॉडी किसी भी न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स का साइटोप्लाजमा वाला हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है निसल ग्रेन्यूल्स होती हैं इसके अलावा इसके अंदर है वो न्यूरो होता है इसमें जो मैमब्रेन होती है उसे न्यूरोलेमा कहते हैं ये सब पाया जाता है इसके साइटोप्लाजमा में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी इन सभी सेल ऑर्गन की प्रेजेंसी होती है बट जो सेल ऑर्गनल्स इस सेल बाइट बॉडी वाले स्ट्रक्चर में नहीं होता वो होता है सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल सेल डिवीजन करवाने में इम्पोर्टेंट रखता है इसलिए न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन नहीं होता है आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा है उस चैप्टर के अंदर सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ा है एक जी जीरो स्टेज होती है कोई भी सेल जो रिमेन करती है ऑलवेज विदाउट एनी सेल डिवीजन ऑलवेज अब उनकी पोजीशन होती है वो इंटरफेज कंडीशन में होती है इस साइटोप्लाजमा के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती इसके अलावा निस्सिल्स ग्रैन्यूल्स की बात करें तो गोल्जी एपरेटस साथ में आरएनए एंड राइबोसोम्स सॉरी एंड आरएनए सॉरी ये सभी मिलकर के ग्रेनुल्स फॉर्म बनाती है इन ग्रेन्यूल्स फॉर्म को कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स सेल बॉडी कंटेंट साइटोप्लाज्मा यस साइटोप्लाज्मा होता है एक न्यूक्लियस होता है कुछ ग्रेनुलर बॉडीज होती है जिसे निसिल ग्रेन्यूल्स कहते हैं ये निसिल ग्रेन्यूल्स प्रोटीन सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है अब हम बात करें नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर सेल में कुछ उभार होते हैं। कुछ सेल के उभार नंबर्स में ज्यादा नेकेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं कुछ सेल प्रोसेस जो नंबर्स में कम होते हैं कवर्ड रहते हैं ब्रांच्ड रहते हैं उन्हें एक्सॉन्स कहते हैं डेंड्राइड्स आर शॉर्ट फाइबर आउट ग्रोथ विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी दे ऑल्सो कंटेन ने ग्रेनूल्स एंड ट्रांसमिट इंपल्स टुआर्ड्स द सेल बॉडी डेंड्राइड का कनेक्शन रिसेप्टर से होता है रिसेप्टर से जब भी कोई स्टमलाई कॉन्टेक्ट में आता है तो वहाँ से ये सिग्नल्स अचीव किए जाते हैं गेनिंग की जाती है और उसके बाद सेल बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है डैंड्राइट्स ब्रांचेस नंबर्स हैं और इनकी एक प्लूरल फॉर्म को डैंड्रोन बोला जाता है दूसरी हम बात करें एक्जोन एक्जोन सिंगल लॉन्ग फाइबर लाइक आउट है जो सेल बॉडी से ही राइज होती है ये सेल बॉडी से ही राइज होने वाला स्ट्रक्चर है ये ब्रांच होता है एक टर्मिनल साइट पर टर्मिनल साइट पर ये ब्रांच होता है इसको एक्जोन टर्मिनल और एक्जोन एंडिंग या फिर इनको एक्सॉन एंडिंग के साथ नव एंडिंग भी बोला जा सकता है ये बल्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है इस बल्क लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू एक न्यूरॉन के नव एंडिंग का फंक्शनल ज्वाइंट बनता है नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइड रिसेप्टर के साथ जिसको न्यूरो ट्रांसमर सिस्टम न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन और सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। एक्सोन नर्व इम्पलसेस को किसी भी नर्व्स के अंदर ट्रांसमिट करके उनको दूसरी न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करते हैं विदिन सो एक्जोन ट्रांसमिट नर्व इंपल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू स्नैप्स सेल बॉडी से एक्जोन से होते हुए ये स्नेप्स में आते हैं और स्नेप्स से नेक्स्ट नर्व रिसेप्टर्स तक पहुंचाया जाता है यहां पर एक चीज का स्पेशली ध्यान रखें कि स्नेप्स क्या है फंक्शनल गैप Between two neurons. That is called synapse, and this synapse is also known as neurotransmitter junction. Neurotransmitter junction. सेल बॉडी साइटोप्लाजमा वाला पार्ट है जिसमें डेंड्राइट से कवरिंग रहती है एक बड़ा प्रोसेस अनब्रांच प्रोसेस होता है यदि हम यहां पर एक बात करें कि एक्सोन जनरली स्वान सेल से सिक्रेट किए गए फैटी एसिड्स से स्टार्च और फैटी एसिड से कवर रहती है जिसको माइलिन माइलीन कहते हैं। ये जो माइलिन सीथ होती है वो कंटिन्यूस नहीं रहती इसके ऊपर बीच बीच में गैप्स पाए जाते हैं, जिसको रेनबियर्स कहते हैं। नव इंपल्स की ट्रांसमिशन की स्पीड ये बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए बेसिस काम में लिए जाते हैं नंबर्स ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट प्रेजेंट एनी न्यूरॉन्स। यदि ओनली वन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स नहीं है तो उसे यूनिपॉलर कहते है, इस neurons, हैं इस टाइप की न्यूरॉन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है एक एक्जोन और एक डेंड्रोन ही हो यदि किसी न्यूरॉन्स में तो उसे बाईपॉलर न्यूरॉन्स बोला जाता है रेटिना आइस की जो रेटिना सेंसरी लेयर्स होती है थर्ड कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है अंदर अंदर वाली उसकी जो नर्व सेल्स होती हैं वो बायपोलर टाइप की होती है मल्टीपोलर जिसमें एक एक्सोन होता है और इसके अलावा दो या दो से ज़्यादा टू और मोर जिसमें डेंड्राइट्स होता है। इस तरह की जो न्यूरॉन्स होती है उसे मल्टीपोलर टाइप की कहते हैं ये ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स होती है डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि मल्टीपोलर देखें तो एक से ज्यादा डेंड्राइट्स हैं यहां पे और एक एक्सोन बायपोलर के अंदर एक डेंड्रॉयड और एक एक्जोन ही होता नर्व न्यूरोन सेल्स में और यूनिपोलर के अंदर डेंड्राइट्स नहीं होता ओनली ही होता दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूरॉन्स के जो एक्सोन होता है उस पर माइलिन सीथ की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के बिहा पर रखा गया सो सेकंड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सेल्स इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन सीथ ऑन एक्जोन्स ये जो माइलिन सीथ होता है वो एक्सोन के साइड में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें स्वान सेल्स कहते हैं ये स्वान सेल्स लिपिड कवरिंग बनाती है जिसे माइलिन सीथ कहते हैं कुछ न्यूरॉन्स में ये प्रेजेंट होता है कुछ न्यूरॉन्स में ये एब्सेंट होता है इस बेसिस पर दो तरह की न्यूरॉन्स हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो नर्व फाइबर्स होते हैं न्यूरॉन्स होती हैं उनके अंदर इस टाइप की माइलिन नेटेड न्यूरोन्स होती है जिसमें माइलिन प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन माइलिटी टाइप की जो न्यूरोन्स होती हैं उनके अंदर ये माइलिन सीथ एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल ऑटोनोमस और विस्तरल नर्व फाइबर्स जो भी होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड टाइप के होते हैं सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वेर एग्जोन्स आर एनवलब विथ स्वान सेल्स विच फॉर्म ए माइली माइलिनेन सीट एंड अराउंड द एक्जोन एक्जोन के चारों तरफ माइलिन सीट बनाने का काम करती है यहां पर जो माइलिन सीथ होता है वो माइलिन सीथ कंटिन्यूअस न होकर के उनके बीच बीच में गैप्स पाए जाते है स्वान सेल जो यहां पर माइलिन सीथ बना रहा है वो कंटिन्यूअस न होकर के यहां पर गैप्स की फॉर्म में होता है ये माइलिन सी और इनके बीच हीच में जो गैप्स होते हैं इन्हें नोट्स ऑफ रैंडवियर कहता माइलिन नर्व फाइबर्स ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं इस नोड्स और रेनवियर के अंदर नोड्स और रेनवियर फॉर्म के अंदर जो माइलिन सीथ गैप के साथ में होती है जिसकी वजह से इस तरह की माइलिनेटेड नर्व्स और न्यूरॉन्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस होता है नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स होती हैं वो स्वान सेल नहीं पाई जाती इनमें स्वान सेल होती नहीं है जब स्वान सेल नहीं होगी तो इनमें किसी भी टाइप का माइलिनसीथ नहीं होगा माइलिनसी इनमें एबसेंट होता है दे आर कॉमली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक नर्व सिस्टम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सॉरी सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर ये जनरली पाई जाती है तो यहां पर सबसे मेजर डिफरेंस हो गया माइलिन सी थी एबसेंट है एंड स्वान सेल्स आर आल्सो एबसेंट जबकि यहां पर स्वान सेल प्रेजेंट होती है सो so, आज के सेशन के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है जिसके अंदर सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी उसका क्लासिफिकेशन किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन सभी पार्ट्स को इस शो को पढ़ा एक बेसिक चीज़ यहाँ पर देख लें कि इस चैप्टर में आगे हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर हम आगे आइज ह्यूमन आइज ह्यूमन ईयर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिफ्लैक्स एक्शन ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टू सेशन। So take care bye bye have a nice day thank you very